हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी श्रीखंड की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से घर में आप बिल्कुल बाजार जैसा श्रीखंड बना सकते हैं और इसको आप 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। बनाना इसको बहुत आसान है। दही के साथ ये रेसिपी बनाई जाती है और हल्की मीठी होती है ये, तो जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं और हेल्दी खाना पसंद करते हैं, कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मिठाई बेस्ट है। तो श्रीखंड आप कैसे बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी आसान तरीके से, बिल्कुल मार्केट जैसा, तो आइए मैं सिखा देती हूँ। तो श्रीखंड बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले हंग कर्ड बनाना होता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं लटका हुआ दही। इसके लिए इस तरह से छलनी रखकर किसी बर्तन में डाल दें ऊपर से कपड़ा, और कपड़े में हमें डालना होगा दही। यहाँ पर मैंने 4 से 5 कप दही का इस्तेमाल किया है और इसका पानी हमें पूरी तरह से निचोड़ना होगा। इसके लिए इसको इस तरह से पोटली बना लें और पोटली बनाकर थोड़ा सा घुमाकर इसको किसी जगह पर लटका दें। आप किचन की सिंक पर भी लटका सकते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए लटका देंगे तो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो पूरी तरह से निकल जाएगा और उसके बाद में आपको हंग कर्ड मिल जाएगा। तो देखिए, इसको मैंने लटका दिया था और यहाँ पर हमारा हंग कर्ड बनकर बिल्कुल तैयार है, तो इसका मॉइस्चर पूरी तरह से निकल चुका है। ये देखिए, हंग कर्ड हमारा तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अब श्रीखंड बनाने के लिए थोड़ी सी तैयारी हमें और करनी होगी। इसके लिए आपको बनाना है केसर वाला दूध, तो आप एक कटोरी में डाल लें 3 से 4 टेबलस्पून दूध। हल्का गर्म दूध लिया है और इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, 10 से 12 केसर के धागे डालकर इसको लगभग आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तो आप देखेंगे कि जो केसर है ये पूरी तरह से कलर को छोड़ देगा, और इस केसर वाले दूध को हम यूज़ करेंगे श्रीखंड बनाने में। अगर आप श्रीखंड बनाने में इस केसर वाले दूध का यूज़ करेंगे तो आपकी जो केसर से बने हुए श्रीखंड की जो महक है बहुत ही बढ़िया आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी तरफ एक मिक्सिंग बोल में मैंने हंग कर्ड को निकाल लिया है, बिल्कुल स्मूथ दही हमें मिल चुका है। तो अब हमें मिठास भी ऐड करनी होगी। मिठाई हम बना रहे हैं तो मिठास तो डालनी होगी, तो 1/2 कप के करीब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने ली और उसको सिंपली मैंने मिक्सी में पीस लिया और मैंने डाल दिया। तो चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के कोई भी ऐड कर सकते हैं, पर चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है इसमें, तो मैंने 1 चम्मच के करीब चिरौंजी डाली है। 2 से 3 बादाम लिए, उसको लंबाई में काट कर डाल दिया, और 3 से 4 मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, उसको भी मैंने डाल दिया। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पाउडर शुगर है तो बहुत जल्दी मिक्स होएगी और बहुत जल्दी डिजॉल्व होएगी। अगर आप इसमें साबुत चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी सी आपको इसको डिजॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, अच्छे से ये मिल चुका है। हमें इसे फेंटना नहीं है फ्रेंड, जस्ट मिक्स करना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी इलायची का पाउडर, तो मैंने पहले से बना कर रखा था और वो मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। बहुत अच्छा कलर आएगा इससे और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, तो वो भी डाल देते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, थोड़े से फूड कलर का इस्तेमाल भी हम करेंगे, तो ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर डाला है। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बाजार में आप जो श्रीखंड खाते हैं उसका जो कलर होता है बहुत येलोइश होता है और ब्राइट होता है, तो अगर आपको बिल्कुल वैसा ही कलर चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करना पड़ेगा। आप इसमें लेमन येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत थोड़ा सा ही डालना है। अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ भीगी हुई किशमिश, तो जैसा मैंने आपको बताया 12 से 15 आप इसमें भीगी हुई किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिला लीजिए और बस ये हमारा श्रीखंड बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ठंडा करके इसको खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा खाने में। और इसको फाइनली आप चाहें तो ऊपर से वापस से आप इसको थोड़ी सी चिरौंजी से, थोड़े बाकी के ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। तो बस ये हमारे बाजार जैसी श्रीखंड की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत ही टेस्टी बना है। और आप भी मेरी इस रेसिपी को बनाकर देखें, खाकर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आप सभी को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी और ज़रूर पसंद आएगी, तो बनाकर ज़रूर देखें। तो देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरह से सर्व कर दिया है। आप भी घर में इसको मेहमानों के आने पर सर्व कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ भी मीठा खाने का मन करे तो पहले से आप हंग कर्ड बनाकर रखें फ्रिज में। जैसे मैं तो क्या करती हूँ फ्रेंड्स, 1 दिन पहले हंग कर्ड बनाकर रख देती हूँ और दूसरे दिन फटाफट से इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर इसको बना लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से बनाकर देखें, खाकर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।